ओम श्री गणेशाय नमः। भक्तों, हम सब जानते हैं कोई भी शुभ कार्य हो, भगवान गणेश का स्थान सबसे पहले रखा जाता है, यानी कि भगवान गणपति का सबसे पहले पूजन किया जाता है। वो चाहे आप गणेश चतुर्थी के दिन हो या फिर कोई भी शुभ कार्य हो, जैसे गुरु प्रवेश हो या फिर कोई भी हमारे हिंदू शास्त्र में कोई भी विधि करते हैं, कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत में गणपति का पूजन सबसे पहले किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक मंत्रोच्चारण के साथ किस प्रकार से हम अपने घर पर भगवान गणपति का एक आसान तरीके से यानी कि सरलतम विधि से पूरा पूजन, वो भी मंत्रोच्चारण के साथ, वैदिक मंत्रों के साथ किस प्रकार से कर सकते हैं, पूरा मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तो आप अपने घर पर कोई भी शुभ प्रसंग हो, चाहे गणेश चतुर्थी हो या फिर संकष्टी चौथ जो हर महीने आती है, उस दिन भी आप गणेश की पूजन इस प्रकार से अपने घर पर मंत्रोच्चारण के साथ कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप सुबह स्नान करने के पश्चात अपने पास समस्त सामग्री रख लें। दोस्तों, इसके अंदर कौन सी सामग्री का इस्तेमाल होता है पूजन में, यानी कि पूजन की सामग्री का पूरा लिस्ट हमने अलग से वीडियो में बनाया है, वीडियो आप देख सकते हैं। इस प्रकार से पूरी सामग्री आप अपने पास रख लें, फिर आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठकर 3 बार इस मंत्र का बोलकर आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। आचमन के पश्चात हाथ में जल लेकर ओम ऋषिकेशवाय नमः बोलकर हाथ धो लें। हाथ धोने के बाद पवित्रकरण करने के लिए पवित्री के बाद बाएं हाथ में जल लेकर दाएं हाथ से अपने ऊपर और पूजन सामग्री पर छिड़काव कर लें। ओम पंडरीकाक्षं गुणातु, ओम पंडरीकाक्षं गुणातु, ओम पंडरीकाक्ष गुणातु बोलकर गणेश जी एवं अंबिका को आप सुपारी में मौली लपेट कर उसको स्थान दे सकते हैं। स्थापित करके इस मंत्र का बोलकर माता अंबिका और गणेश जी का आह्वान करें। ओम गणेशाम्बिकाभ्याय नमः। ओम वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिशम प्रभा निर्विघ्नं गुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। फिर कामना विशेष का नाम लेकर संकल्प लें। अब संकल्प लेने के लिए आपको जिस अर्थात यानी कि जिस निमित्त आपने पूजन कर रहे हैं गणपति जी का, चाहे वो गणेश चौथ हो या फिर संकष्टी चौथ हो या फिर कोई भी शुभ कार्य में, उसका मन में संकल्प करके दाहिने हाथ में जल, सुपारी, सिक्का, फूल एवं चावल लेकर, जो आपने मन में जो भी संकल्प है आपका, वो संकल्प लेकर हाथ में मनोमन प्रार्थना करने के बाद थाली या फिर गणेश के सामने उसे छोड़ दें। अब हाथ में चावल लेकर गणेश और अंबिका का ध्यान करें। ओम भूर्भुवः सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपते नमः। गणपति मा वहायामहि स्थापयामि पूजयामि च। ओम भूर्भुवस्वः गौर्यै नमः। गौरी महाव्याम्य स्थापयामि पूजयामि च। आसन के लिए चावल चढ़ाएं। ओम श्री गणेश अंबिके नमः। आसनार्थे अक्षतान समर्पयामि। फिर स्नान के लिए जल चढ़ाएं। ओम गणेशाम्बिकाभ्याय नमः। स्नानार्थे जल समर्पयामि। फिर दूध चढ़ाए। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याय नमः। पयस्नानम् समर्पयामि। फिर दही चढ़ाए। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याय नमः। दधि स्नानम् समर्पयामि। फिर घी चढ़ाए। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याय नमः। द्रुतस्नानम् समर्पयामि। फिर शहद चढ़ाए। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याय नमः। मधुस्नानम् समर्पयामि। फिर शक्कर चढ़ाए। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। शर्करा स्नानम् समर्पयामि। फिर पंचामृत चढ़ाए। दूध, दही, शहद, शक्कर एवं घी को मिलाकर आप पंचामृत बना दीजिए। अब ये भी पंचामृत से आपको चढ़ाना है इस श्लोक के साथ। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्याय नमः। पंचामृत स्नानम् समर्पयामि। फिर चंदन को गोलकर चढ़ाए।
ओम शुभर्वर्वाश्वः गणेशाम विगाभ्यम नमः गंधोदकस्नानम समर्पयामि। फिर शुद्ध जल डालकर शुद्धिकरण करें। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम विगाभ्यम नमः शुद्धोदकस्नानम समर्पयामि। अब उनको आसन पर विराजमान करें, फिर उसको वस्त्र चढ़ाए। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम विगाभ्यम नमः वस्त्र समर्पयामि। फिर आचमनी जल छोड़ दे, उसके बाद में उपवस्त्र के तौर पर आप मौली चढ़ाए। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम विगाभ्यम नमः उपवस्त्र समर्पयामि। फिर आचमनी जल छोड़ दे, फिर गणेश जी को यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ चढ़ाए। इस मंत्रोच्चारण के साथ ओम भूर्भुवस्वः गणेशाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। फिर आचमनी जल छोड़ दे, फिर अब चंदन चढ़ाए, चंदन लगाए, अब टीका करें चंदन से। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाय नमः चंदनानुलेपं समर्पयामि। उसके बाद में चावल चढ़ाए। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम विगाभ्याम नमः अक्षतानम समर्पयामि। अब फूल या फिर फूल माला चढ़ाए, आप उसका पूजन करें। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम विगाभ्याम नमः पुष्पमालाम समर्पयामि। फिर दुर्वा चढ़ाए। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम विगाभ्याम नमः दुर्वाग्रहं समर्पयामि। अब सिंदूर चढ़ाए। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम विगाभ्याम नमः सिंदूर समर्पयामि। फिर अबीर गुलाल हल्दी आदि से भगवान का पूजन करें यानी कि चढ़ाए। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम विगाभ्याम नमः नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। इसके बाद में भगवान को इत्र चढ़ाए। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम विगाभ्यम नमः सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। अब भगवान को धूप दीप दिखाए इस मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम विगाभ्यम नमः धूप दीपम दर्शयामि। फिर ऋषिकेशवाय नमः बोलकर हाथ धोकर नैवेद्य लगाए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम शमानाय स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम विगाभ्यम नमः नैवेद्य निवेदयामि। फिर आपके पास जो भी ऋतुफल आए हैं वो चढ़ाइए। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम विगाभ्यम नमः ऋतुफलानि समर्पयामि। अब लौंग इलायची सुपारी अर्पित करें, फिर दक्षिणा चढ़ाकर भगवान गणेश जी की आरती करें। उसके बाद में परिक्रमा करें, तत्पश्चात भगवान गणेश और अंबिका से प्रार्थना करें, फिर दाहिने हाथ में जल लेकर पृथ्वी पर छोड़ दें। यह बोलकर अन्य पूज्य गणेशाम्बिके प्रियताम नमः, इस प्रकार श्री गणेश जी की पूजन कर अपने संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करें। बोलिए श्री गणेशाय नमः। ओम शांति 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 शांति।